अभी हम लोग मुंबई में पार्क एवेन्यू में हैं और डबिंग चल रही है तमन्ना एक और प्रेम कथा, बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। और हमारे डायरेक्टर साहब उमर खान सर ने बहुत अच्छे से बनाया है इस फिल्म को, और मनोज कश्यप जी हमारे प्रोड्यूसर सर, मतलब हम लोग गोरखपुर में शूट किए, बहुत अच्छे माहौल में शूट किए, और इतना अच्छा रिजल्ट जो सामने निकल के आया है, ये साफ ऐसा लगता है कि एक्टर मेहनत करता है और जब उसका रिजल्ट सामने अच्छा दिखता है ना, तो एक्टर को लगता है अरे यार मेहनत अच्छा हुआ, सफल। किरदार भी एक कॉलेज लाइफ स्टूडेंट का है, और जो हमारी को एक्ट्रेस हैं ऋचा दीक्षित जी, उनका बहुत अच्छा भी है काम, उनका बहुत अच्छा है, और साथ में काम करके बहुत यादें बहुत अच्छी अच्छी लेके आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। और कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम आपको बता सकें जी। दोनों हीरोइन से किस हीरोइन के साथ ज़्यादा ट्यूनिंग अच्छी रही आपकी? हाँ दोनों लोग के साथ अच्छी रही, सुनील शर्मा जी और ऋचा दीक्षित जी दोनों लोग के साथ जी। तो तमन्ना एक और प्रेम कथा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के जोनर की फिल्म है और किस तरह से ऑडियंस को आकर्षित करेगी? बेसिकली एक लव स्टोरी है, बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी है, और आज के जमाने में जो हमारे समाज में होता है उसी परिदृश्य पे बनाया हुआ एक फिल्म है जी। डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब एकदम लाजवाब, हमेशा 24 आवर्स चार्ज रहते हैं एकदम इनको देख के हम लोग को भी एनर्जी आ जाता है, एकदम सेट एकदम एनर्जी से भरपूर रहता है, मजा आता है साथ में काम। प्रोड्यूसर साहब मनोज जी हमेशा साहब तो हमारे एकदम प्रोड्यूसर साहब मस्त आदमी है एकदम। रितेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिली इंसान है और दिल से लगाव रखने वाले इंसान है, और खास करके हम लोग यूपी बिहार वाले हमेशा दिल से जुड़ के काम करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा काम किया। हर डायरेक्टर सोचता है अपनी फिल्म के बारे में, और सोचने के बाद जो पर्दे पर उस चीज़ को प्रेजेंट करता है, अगर प्रेजेंटेशन उसका हो गया तो उसकी सोच पूरी हो गई, और प्रेजेंटेशन पूरा नहीं होता तो सोच कभी पूरी नहीं हो सकती। पहली बार रितेश के साथ काम कर रहा था, लगा ही नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और वहीं मन में एक बात बसा ली थी कि अगली पिक्चर फिर रितेश को लेकर के करूँगा और डेफिनेट करूँगा, और जल्दी ही उसका अनाउंसमेंट आप ही करेंगे, समझे ही नहीं। और हाँ अच्छा अच्छा करना चाह रहे हैं, अब देखें गोरखपुर करते हैं कि कहीं और करते हैं, लेकिन होगा, सब अच्छा ही होगा। तो शूटिंग के समय जो आपने इनको लेके आपने डायरेक्शन किया, आज डबिंग में आप देख रहे हैं, कितना नहीं, रितेश इज़ अ मैच्योर्ड एक्टर, वो चीज़ नहीं है कि रितेश नया है। और एक चीज़ और बताऊं कि जैसे वक्त बदलते रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, अगला वक्त मेरे हीरो का है, कोई रोक नहीं। क्या बात है, वाह वाह जी जी। दोनों हीरोइनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों हीरोइनों के बारे में मैं क्या कहूँ, हीरोइनें ठीक हैं, और ख़ास करके ऋचा, ऋचा इज़ वेरी फ्रैंक, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋचा बहुत जल्दी किसी चीज़ को ग्रैब करती है फटाक करके, देर नहीं लगता। और दूसरी चीज़ होता है ना कभी कभी कोई कहीं माइनस पॉइंट होता है, कोई डायलॉग डिलीवरी एक्टिंग में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट होती हैं, लेकिन इस लड़की के अंदर मैंने देखा कि हर चीज़ उसकी प्लस पॉइंट है, और एक कामयाब एक्ट्रेस है वो। सुभी शर्मा के साथ तो बहुत पहले से नाता रहा है, और एक बहुत बड़ी पिक्चर उनके साथ मैंने अनाउंस की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म नहीं बन पाई, ठीक है, लेकिन यह है कि अब दौर यंगस्टर्स का है, आने वाले लोगों का है, कब तक एक ही चीज़ को बजाते रहेंगे यार, एक रिकॉर्ड कब तक बजेगा, समझे कि नहीं। तो यह है कि जैसे मैं रितेश के बारे में बोल रहा हूँ, और वैसे भी आप उंगलियों पे जब नाम गिनेंगे ना, तो रितेश बहुत पीछे नहीं है किसी से। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ यह है, मैंने देखा कि इस आदमी के अंदर दिखावा नहीं है, समझेगी नहीं, दिखावा नहीं है ये आदमी, बस जो बताओ दिल से करता। हाँ एक चीज़ है कि उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, ये समझ बहुत बड़ी बात है। अगर ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ डायलॉग बोलने वाली बात नहीं है, मेरे से डिस्कस भी हुआ, मेरे से किसी सीन के ऊपर इन्होंने मुझे एक सजेशन भी दिया, और उस सजेशन को मैंने एक्सेप्ट किया,
एक्सेप्ट इसलिए किया कि हाँ बात सही है कि उस चीज़ की वहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिल्म अच्छी बनी है, ये फिल्म लोगों को पसंद आए, मेरे दर्शकों को पसंद आए, लोग इसकी फिल्म की तारीफ़ करें, तो समझो हम सब लोग कामयाब हो गए। भैया फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? तमन्ना एक और दर्शकों से यही अपील है कि हम सब ने मिल के बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसके लिए, और आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखें